आपका तारुफ? मैं मेरा सिद्दीकी एमपीजे का फाउंडर मेंबर हूं। मैं मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस, मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की तरफ से 2016 से ये डिमांड करते आ रहे हैं हम लोग कि सहिदा कॉलोनी, अंबर हिल, जटवा रोड में जितनी बशीर नगर वगैरह जो बस्तियां हैं, 35 से 30 महल यहां पर आबाद है और इनके लिए कब्रस्तान की कोई जगह सरकार की तरफ से नहीं है। इनको कब्रस्तान जो है अवेलेबल जो है वो रोजेबाग है, ये हटको कॉर्नर के कब्रस्तान पे 10 किलोमीटर तक की दूरी पर आना पड़ता है इनको। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो जिस टाइप का तबका यहाँ पर रहता है, वो होतकरू और रोज़मर्रा काम करने वाले लोग हैं। यहाँ पर कोई 10-30 के मकान में रहता, कोई 20-30 के मकान में रहता, कोई इससे छोटे मकान में रहता, और ये अपनी ज़िंदगी बहुत मुश्किल से गुजारते हैं। और आखिरी का जो उनका अंतिम संस्कार का जो मामला है, आखिरी तजीद तकफीन का मामला, अगर कहीं मैयत हो जाती है तो ये ख़ुद एक एक्सपेंसिव काम है। ये एक्सपेंसिव काम के लिए और मज़ीद एक्सपेंसेस बढ़ाने के लिए सरकार ने जो तो एक्सपेंसेस हमारे बढ़ जाते हैं हमारे गरीब लोगों के, 10 किलोमीटर तक आना और 10 किलोमीटर तक जाना। तो ये हम चाहते हैं कि, और सरकार के पास इसका जीआर है, सरकार के पास इसके लिए कानून मौजूद है कि जहां पर बस्ती हो वहां पर दफन विधि और शमशान भूमि के लिए जगह सरकार उपलब्ध करा कर दे। ये सरकार के पास कानून मौजूद है। उस वक्त के जो म्यूनसिपल कमिश्नर थे बकोरिया साहब से हमने नुमाइंदगी की 2016 में। बकोरिया साहब ने हमारी मांगनी रास्त है और आपकी मांगनी वाजिबी है, आपकी डिमांड हम आपकी डिमांड की ज़रूरत को महसूस करते हैं और हम इसको जो है तो फॉरवर्ड करते हैं। तो उन्होंने जिला प्रशासन को फॉरवर्ड किया, अब कह के प्रस्ताव भेजो बोल के, और ज़मीन हमको उपलब्ध करा के देना चाहिए। तो जिला प्रशासन के पास हमारी फाइल अटकी हुई है। जिला प्रशासन को अब तक इम्तियाज़ जलील साहब खासदार आमदार थे, आमदार के बाद खासदार हुए, तब तक अब इम्तियाज़ जलील साहब ने 3 से 4 लेटर दे चुके जिला प्रशासन को। इसकी ग्रीवेंस जिला प्रशासन ने अभी तक नहीं ली, इसको गंभीरता से नहीं लिया और हमको आज तक ज़मीन अलाट नहीं की। इसके लिए हमने तमाम सियासी पार्टियों के जिम्मेदारों से भी रब कायम किए, उस वक्त के नगर सेवक, मेयर और सभी लोगों से, हमारी संगठना के पदाधिकारी लोगों ने मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस की तरफ से और वहाँ के लोकल समुदाय की तरफ से रब कायम करने के बाद, उनको निवेदन देने के बाद, उन अभी तक हमारे लिए हमको जगह नहीं मिल सकी है। तो हमारी सरकार से आज ये डिमांड है कि सरकार हमारे इस आंदोलन को के जरिए से, आंदोलन के माध्यम से हमारी मांगनी को गंभीरता से ले और गंभीरता से लेकर हमको 10 एकड़ ज़मीन सरकार के पास ज़मीन मौजूद है, 390 एकड़ ज़मीन सरकार के पास मौजूद है। सर मुख्तलिफ सर्वे नंबर है, हम सर्वे नंबर दे सकते हैं आपको, 7-8-10 सर्वे नंबर है वो उसी इलाके में। 390 एकड़ सरकार के पास जगह है, सरकार वो ज़मीन अलाट करे ताकि महानगर पालिका प्रशासन हमको वो जगह कब्रस्तान के लिए उपलब्ध करा के दे सके। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है जी, तो इसके आगे का स्टेप क्या रहेगा? हमारा आंदोलन इससे तीर होगा जमहूरी तरीके से, इसके आगे जो शदीद तरीन जो था हम आंदोलन करेंगे, जिसके जेल भरा आंदोलन है, रास्ता रोको आंदोलन है और दूसरे आंदोलन के जो तरीके हैं लोकशाही मार्ग से, वो हम उसके तरीके से हमारे आंदोलन जारी रखेंगे और हमारी डिमांड पूरी होने तक हम इसको जई जगह किसी भी तरीके से हम हासिल करके रहेंगे। फिरोज़ खान नदवी, इमाम खतीब मस्जिद गुलाम मोहम्मद, वार्ड अध्यक्ष एमपीजे, अंबर हिल, जटवा रोड, औरंगाबाद। कब्रिस्तान की ज़मीन जो है तो अभी तक नहीं मिली। 2016 से हम कानूनी और जमहूरी तरीके से लोकशाही मार्ग से जो तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन क्या वजह है कि 7 साल होने के बाद भी गवर्नमेंट जो तो कब्रिस्तान की जगह अलाउड नहीं करती है। हमने जो तो निवेदन मनपा आयुक्त और माननीय विभागीय आयुक्त, माननीय जिलाधिकारी साहब, इन तमाम को हम लेटर दे देकर जो तो हम थक चुके हैं। और इसके संदर्भ में जो है तो माननीय जो अभी इस वक्त में खासदार साहब इम्तियाज़ जलील साहब, उन्होंने भी 3-4 जो तो लेटर जो तो गवर्नमेंट को दिया है, और लेकिन फिर भी जो तो गवर्नमेंट और सरकार जो तो हमारी बातों पर, हमारी कब्रिस्तान की ज़मीन पर ध्यान नहीं दे रही है। अगर सरकार हमारी इस डिमांड को, मांगनी को, जो कि हम मांग रहे 10 एकड़, तो अगर ज़मीन नहीं देती है तो ये धरना जो तो शांति, आपने देखा कि कोई चिल्ला पुकारे आपको नज़र नहीं आए, कोई जो तो कोई नारेबाजी बिल्कुल नहीं, हुल्लड़बाजी नहीं हुई, शांति पीस मोर्चा है। लेकिन अब यहाँ से ये धरना आंदोलन जो है तो एक ख़तरनाक आंदोलन जो तो इख्तियार करेगा और जो है तो तीव्र इसके अंदर जो तो एक मोड़ लेने के इरादे में रहेगा।